गुमला में नक्सलियों की अब खैर नहीं है। इन दिनों पुलिस नक्सलियों की टोह में नक्सली की मानत में लगातार घुसकर एंटी ऑपरेशन अभियान चला रही है। गुमला जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस ने नक्सली की खोज में तलाशी अभियान को तेज कर दिया है। बता दें कि गुमला पुलिस व गुमला अधीक्षक एहतेशाम बकारेब और सीआरपीएफ के कमांडेंट आशुतोष सारंगी के नेतृत्व में गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र बोरगा निरसी जमटी कुम्हारी बानालात के घने जंगल और सटे गांव के इलाके में उग्रवादियों संगठन के विरोध छापामारी ऑपरेशन चलाया। आप लोग से सहयोग बढ़ाने के लिए मेल मिलाप मिले दूर से पुलिस वाला लगता है कि पुलिस वाला, लेकिन ऐसा कोई बात होता नहीं। पुलिस वाला क्या होता है, आप ही लोग के बीच से कोई आपस के बीच से पुलिस वाला होता है, कोई भाई है कोई चाचा है, वही ना हम लोग, वही हम लोग फिर अब आप लोग पास आए तो अब आए तो खाली हाथ में कुछ आप लोग के लिए लेकर आए। और ये हमारे एसपी साहब हैं, नाम है एहतेशाम वकारेब साहब, ये हर एक जगह जाते हैं, जंगल जंगल घूमते हैं और जितने भी अपने भाई लोग आप लोग जो है सब लोग से क्वेश्चन जवाब पूछते हैं, कुछ लोग का पेपर खराब होता है सर, डॉक्टर भी हैं, इलाज भी कर देते हैं और वो हमारा अभियान सर है, ये भी क्या होता है कि पूरा गुमला सब जगह घूमते हैं। अभी हमारे थाना प्रभारी हो गए। वहीं इलाके के घोर नक्सल क्षेत्र में भरमनसील रहकर चला रहे ऑपरेशन अभियान के दौरान गांव के ग्रामीण के बीच पहुंचकर लोगों से मिलकर ग्रामीणों की हालचाल की जानकारी ली। इसके साथ ही एसपी एहतेशाम बकारेब ने नक्सली गतिविधि की सूचना देकर पुलिस के सहयोग करने की ग्रामीणों से अपील की। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अजीत सोनी की रिपोर्ट।